Question number 1. The equation minus 7x plus 1 is equal to 5 minus 3x will be satisfied for x equal to. हमारे पास चार ऑप्शन है, 2, minus 1, 1 and none of these. ओके, तो पहले हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, minus 7x plus 1 that is equal to 5 minus 3x. ओके, जो मेरा वेरिएबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में लाएंगे, और जो मेरा कांस्टेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में लाएंगे. और हमें क्या पता है कि जब भी साइड चेंज होता है तो माइनस अगर साइड चेंज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस. प्लस का साइड चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस. मल्टीप्लिकेशन का अगर साइड चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिवीजन. और डिवीजन का जब साइड चेंज होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम लोग माइनस 3x का साइड RHS से चेंज करके LHS में ला रहे हैं. माइनस है तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस 3x. 5 प्लस 1 है, साइड चेंज होगा, क्या होगा, माइनस 1. माइनस 7x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 4. x इज इक्वल टू 4 बाई माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस 1 मेरा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी ही होगा, वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. द रूट ऑफ द इक्वेशन x प्लस 4 बाई 4 प्लस x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 11 इज, ऑप्शन है आपके पास 20, 10, 2, नन ऑफ दीज. आइए पहले इक्वेशन को लिखते हैं, x प्लस 4 बाई 4 प्लस x माइनस 5 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 11. 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स x प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 11. अब यहाँ देखिए, 12 आपका क्या है, डिवीजन में. डिवीजन में साइड चेंज होगा, क्या होगा, याद है, मल्टीप्लिकेशन. ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 11 इंटू 12. और ये क्या हो जाएगा आपका, 3x प्लस 12 प्लस 4x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 132. ओके, अब यहां देखिए, 3x प्लस 4x क्या हो जाएगा आपका, 7x. 12 माइनस 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 132. 7x is equal to 132 plus 8 that is equal to 140. X is equal to क्या हो जाएगा आपका, 140 by 7 that is equal to 20. 20 हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर x इज इक्वल टू 30 That is equal to 2 by 45. हमारे पास ऑप्शन क्या है, 5, 7, 1, 1 by 3 and none of these. Okay? तो पहला क्या हो जाएगा, x by 30 that is equal to 2 by 45. Okay? तो जब यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 30 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, और 45 x की जरूरत ही नहीं है. ओके, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 बाई 45. अगर 15 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो आपकी क्या हो जाएगी, 4 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी, मीन्स 3 का सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4. The solution of the equation x plus 24 by 5 is equal to 4 plus x by 4. चार ऑप्शन आपके पास क्या क्या हैं? 6, 10, 16, none of these. Okay? तो पहले इक्वेशन लिखते हैं, x plus 24 by 5, 4 plus x by 4. Okay?
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले x प्लस 24 बाय 5, इस 5 को पहले क्या करते हैं क्रॉस मल्टी, या इसको पहले एलसीएम लेके इस, ये क्या हो जाएगा आपका 16 बाय x प्लस 4, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 को x प्लस 24 से और 5 को 16 प्लस x से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू 5 इंटू 16 प्लस एक्स, ओके दैट इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4 एक्स, 4 इंटू 24 96, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 5 80 एंड 5 इंटू एक्स 5x, ये 4x आपका साइड चेंज होगा, क्या हो जाएगा प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस, मीन्स 5x माइनस 4x 96 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये आपके पास चार इक्वेशन है इसमें से किसका सॉल्यूशन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना होगा, सारे में एक्स का वैल्यू पुट करना होगा, ओके तो पहले हम लोग ए में पुट करते हैं, 8 प्लस 4 बाई 4 प्लस 8 माइनस, जहां जहां एक्स है वहां पे हमें क्या पुट करना होगा, जो एक्स की वैल्यू दी हुई है मीन्स 8, तो LHS का अगर हम लोग देखें तो LHS इज इक्वल टू, तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 12 बाई 4 3, 8 माइनस 5 3, 3 बाई 3 1, दैट इज इक्वल टू 4, बट हमारे यहाँ RHS में क्या दिया हुआ है 11, 4 इज इक्वल टू 11 पॉसिबल है नो, तो ऑप्शन ए क्या होगा इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 बाई 2 प्लस एक्स की जगह पे हमें 8 पुट करना है, तो 8 प्लस 10 बाई 9, इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 बाई 2 क्या होगा आपका 6, और 8 प्लस 10 बाई 9 क्या होगा 2, दैट इज इक्वल टू 8, तो LHS आपकी 8 आई, RHS भी 8 है, तो ये क्या हो रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ओके। फिर अगर ऑप्शन मुझे पहले मिल गया तो हम लोग नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ओके क्या बोल रहा है आपका, द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन y प्लस 11 बाई 6 माइनस y प्लस 1 बाई 9 दैट इज इक्वल टू y प्लस 7 बाई 4 इज, चार ऑप्शन है हमारे पास क्या क्या, माइनस 1, 7, 1, माइनस 1 बाई 7, ओके तो यहां हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगा अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें, जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा y का वैल्यू, तो y प्लस 11 बाई 6 माइनस y प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू y प्लस 7 बाई 4, ओके 6 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18, 6 इंटू ये 3 टाइम्स में होगा आपका, तो 3 इंटू y प्लस 11 माइनस 2 टाइम्स में 18 होता है, तो 2 इंटू y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y प्लस 7 बाई, ओके सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3y प्लस 33 माइनस 2y प्लस माइनस 2 बाई 18 इज इक्वल टू y प्लस 7 बाई 4, ओके 3y माइनस 2y क्या होगा y, 33 माइनस 2 प्लस 31 बाई 18 That is equal to y plus 7 by 4. Okay. अब cross multiply करेंगे 18 को y plus 7 से और 4 को y plus 31 से. तो ये क्या हो जाएगा? 4 into y plus 31 is equal to 18 into y plus 7. Okay. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4y plus 124 is equal to 18y plus 126. 18y minus 4y क्या होगा आपका? 18y minus 4y,
14y, or 124 minus 126, that is equal to minus 2. So y is equal to minus 2 by 14, that is equal to minus 7. Oh, sorry, minus 1 by 7. So, kaun sa option hoga hamara? Option D, minus 1 by 7 will be the correct answer. Next is question number 7. The solution of the equation P plus 2 into P minus 3 plus P plus 3 into P minus 4 is equal to P into 2P minus 5 is. ठीक है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा. तो हम लोग पहले लिखते हैं P plus 2 into P minus 3 plus P plus 3 into P minus 4, that is equal to P into 2P minus 5. Okay, P into P, क्या हो जाएगा आपका, P square plus, यहां 2P है, minus 3P, तो क्या आ जाएगा, minus P, और minus 3 into 2, minus 6, plus P square, 3P minus 4P, means minus P, 3 into minus 4, minus 12, that is equal to 2P square minus 5P, okay, P square plus P square, that is equal to 2P square, minus P, minus P, minus 2P, minus 6, minus 12, that is equal to minus 18, that is equal to 2P square minus 5P. 2P square, 2P square, cancel. Minus 5P, side change karenge, to kya ho jayega? Plus 5P, minus 2P. Minus 18 ka side change karenge, to kya hoga? Plus 18. So 3P is equal to 18, P is equal to 6. तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन द इक्वेशन 12x plus 1 by 4 is equal to 15x minus 1 by 5 plus 2x minus 5 by 3x minus 1 is true for x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 5, x is equal to 7. मींस इसमें भी हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, और जो आंसर आएगा वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा. तो हम लोग पहले करते हैं 12x plus 1 by 4 is equal to 15x minus 1 by 5 plus 2x minus 5 by 3x minus 1. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका 12x plus 1 by 4, that is equal to, पहले इसका ही साइड चेंज कर लेते हैं. तो ये साइड चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 15x minus 1 by 5, that is equal to 2x minus 5 by 3x minus 1. 5 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 20. तो 5 times 12x plus 1 minus 4 times 15x minus 1, that is equal to 2x minus 5 by 3x minus 1. Okay, 5 into 12x, kya ho jayega aapka? 60x plus 5 minus 60x plus 4 by 20 is equal to 2x minus 5 by 3x minus 1. 60x, 60x cancel, 5 plus 4, 9. 9 by 20 is equal to 2x minus 5 by 3x minus 1. Okay, अब cross multiply करेंगे हम लोग, और तो cross multiply करने से क्या हो जाएगा, 9 into 3x minus 1 is equal to 20 into 2x minus 5. Okay, 9 into 3, 27x minus 9, that is equal to 40x minus 100. Okay, 40x minus 27x
or minus 9, 100 minus 9. That is equal to 13x is equal to 91, x is equal to 7. कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच x बाय 0.5 माइनस 1 बाय 0.05 प्लस x बाय 0.005 माइनस 1 बाय 0.0005 इज इक्वल टू 0. आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 10 एंड नन ऑफ दिस. सब में देखेंगे कि डिनोमिनेटर में 0.5 है, 0.05 है, 0.005 है एंड 0.0005 है. ओके, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहां डिनोमिनेटर सेम है, ओके, तो हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर से डेसिमल को हटाना है. जैसे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? 1, यहाँ पे क्या है? 2, यहाँ पे 3, यहाँ कितने हैं? 4. ओके, तो जितने नंबर डेसिमल के बाद हों उतना हम लोग क्या करेंगे? न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 बाय 5. यहाँ क्या हो जाएगा 1000x बाय 5 और यहां क्या हो जाएगा 10,000. ओके, दैट इज इक्वल टू 0. तो सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 5. तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा? 5. क्या हो गया ये 10x माइनस 100 प्लस 1000x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0. 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0. 10x प्लस 1000x दैट इज इक्वल टू 1010x और ये इसका साइड चेंज करेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा 10100. तो x इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? 10100 बाय 1010. ओके, कैंसिल करेंगे कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में. तो x की वैल्यू क्या आई मेरी? 10. कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो ऐसे हम लोग एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट किए. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए.